दोस्तों अगर बात करें रियल एस्टेट क्या होता है, व्हाट इज रियल एस्टेट, तो आप देखेंगे कि रियल एस्टेट शब्द का इस्तेमाल दो प्रमुख रूप से किया जाता है, एक रियल एस्टेट बिजनेस के तौर पे और दूसरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो अब ऐसे में सवाल ये आता है कि वास्तव में रियल एस्टेट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कितने तरह का होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में यही बात करने वाला हूँ कि रियल एस्टेट क्या होता है, रियल एस्टेट कितने प्रकार का होता है और रियल एस्टेट बिजनेस के तौर पे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे और रियल एस्टेट ऑनरशिप के तौर पे किस तरीके से काम करता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको रियल एस्टेट जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी भी दूंगा जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि रियल एस्टेट होता क्या है। तो दोस्तों रियल एस्टेट को असली संपत्ति के रूप में जाना जाता है क्योंकि रियल एस्टेट जमीन से जुड़ा होता है और जमीन हम सभी के लिए एक असली संपत्ति है। वास्तव में जमीन के अलावा जो भी दूसरी संपत्ति है वो सभी जमीन की उत्पत्ति से ही संभव है। जैसे अगर बात करें किसी मकान की, बिल्डिंग की, घर की, दुकान की या फैक्ट्री की या किसी भी तरह के दूसरे प्रोडक्ट की भी, तो वो सभी आते हैं जमीन से ही। और इसलिए अगर जमीन की बात करें स्पेशली, तो जमीन एक रियल संपत्ति है, वास्तविक संपत्ति है, असली संपत्ति है और इसीलिए जमीन से जुड़ी हुई जो भी संपत्ति है उन्हें हम रियल एस्टेट कहते हैं। रियल एस्टेट एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है जमीन जायदाद या फिर अचल संपत्ति, जैसे कि खेती की जमीन या फिर ऐसे जमीन या प्लॉट जिसपे की घर या दुकान इंडस्ट्री बनाए जाते हैं या फिर कोई बना बनाया घर, दुकान, बिल्डिंग, गोडाउन, फैक्ट्री, फार्म हाउस, बंगला, अपार्टमेंट, फ्लैट या जो भी कहे, जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, संपत्ति हैं, वो सभी रियल एस्टेट के अंतर्गत ही आती है। तो इस तरह से सिंपली ये कहा जा सकता है कि रियल एस्टेट के अंतर्गत कोई भी खाली पड़ी हुई जमीन, खेती की जमीन या फिर किसी जमीन पर बनाए गए सभी तरह के घर, दुकान, ऑफिस, स्कूल, होटल, फैक्ट्री, गोडाउन, जमीन से जुड़ी हुई सभी चीजें रियल एस्टेट के अंतर्गत आ जाती हैं। तो सिंपली अभी आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि रियल एस्टेट का सीधा सा मतलब है जमीन जायदाद और जमीन से जुड़ी हुई जो भी संपत्ति है, जैसे कि घर, दुकान, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, होटल, कंपनी, फैक्ट्री, गोडाउन या जो भी जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सब कुछ रियल एस्टेट ही है। अब अगर बात करें रियल एस्टेट मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं, तो आप देखेंगे रियल एस्टेट मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है जमीन यानी कि लैंड। आप देखेंगे कि जमीन भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि खेती करने वाली जमीन, बंजर जमीन या फिर ऐसे ही खाली पड़ी हुई जमीन या फिर किसी भी तरह की कोई भी जमीन को हम रियल एस्टेट कह सकते हैं। अगर जमीन की कैटेगरी की बात की जाए तो जमीन की कैटेगरी भी बहुत सारी अलग तरह की होती है, जैसा हमने कहा खेती वाली जमीन, बंजर जमीन, अनडेवलप्ड जमीन, डेवलप्ड जमीन या फिर किसी स्पेशल काम के लिए रिजर्व जमीन, जमीन का कोई छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा या फिर कोई बड़े बड़े फार्म हाउसेज, ये सभी तरह के जो भी जमीन है, लैंड है, प्लॉट्स है, ये सब रियल एस्टेट के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वो है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, हिंदी में कहे तो रहिवासी जमीन जायदाद, यानी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसमें कि हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, वहाँ पे हम कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करते हैं। मतलब ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसा कोई भी मकान जो कि सिर्फ इंसान के रहने के लिए ही अलाउ किया गया है, उस तरह की प्रॉपर्टी को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं, जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है। तो इस तरह से जो भी हमारे मकान है, कॉलोनी है, घर है या बिल्डिंग है या अपार्टमेंट है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं अपने परिवार के साथ। इसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी है वो है कॉमर्शियल रियल एस्टेट, हिंदी में कहे तो व्यवसायिक रूप में यूज किए जाने वाले रियल एस्टेट, जहाँ पे की ऑफिसेज होते हैं, जहाँ पे की दुकानें होती हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं या इस तरह के जो भी बिजनेस पर्पज से यूज किए जाते हैं, प्लॉट्स, घर या दुकान, वो सभी कॉमर्शियल रियल एस्टेट के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा चौथी कैटेगरी है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, हिंदी में कहें तो औद्योगिक रियल एस्टेट, जिसमें कि वो जमीन, वो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो कि सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पज से, औद्योगिक पर्पज से गोडाउन या फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री के लिए ही रिजर्व रखे जाते हैं, वो सभी इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट के अंतर्गत आ जाते हैं। अक्सर किसी भी शहर में कोई भी एक इलाका होता है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पज से रिजर्व कर दिया जाता है और वहाँ पे इंडस्ट्रियल उद्योग को डेवलप किया जाता है और इस तरह की जो भी प्रॉपर्टीज वहाँ पे बनाई जाती हैं वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज होती है, इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट होता है। इसके अलावा जो पांचवी टाइप की रियल एस्टेट है वो है गवर्नमेंट ओन्ड रियल एस्टेट, मतलब कि जो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, जो ऐसी जमीनें हैं जो गवर्नमेंट अपने अंदर में रखती है, जैसे कि रोड हो गए या इस तरह की जो भी गवर्नमेंट की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है, जहाँ पे गवर्नमेंट अपने ऑफिसेज बनाती है, अपने गोडाउन्स बनाती है, अपने जो भी गवर्नमेंट पर्पज से जो ऑफिसेज, बिल्डिंगें या जमीनें यूज की जाती है, वो सभी गवर्नमेंट ओन्ड रियल एस्टेट होती है। तो दोस्तों ये है 5 तरह के रियल एस्टेट, जो कि सबसे पहला है लैंड यानी जमीन से जुड़ी हुई रियल एस्टेट, दूसरा है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट,
तीसरा है कॉमर्शियल रियल एस्टेट, चौथा है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट और पांचवा है गवर्नमेंट ऑन रियल एस्टेट। अब अगर बात करें रियल एस्टेट एक बिजनेस के तौर पे, तो आप देखेंगे कि रियल एस्टेट अपने आप में बहुत ही बड़ा बिजनेस है और यहाँ पे जो वैल्यू होती है प्रॉपर्टीज की, जमीन की, घर की, दुकान की, वो बहुत ही ज्यादा होती है। और वास्तव में आप देखेंगे तो इंसान की तीन जरूरतें होती है, पहला है रोटी, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है मकान। और ये तीनों ही जरूरतें जो पूरी होती है वो जमीन से ही जुड़ी होती है। जैसे कि अगर आपको रोटी यानी खाना भी चाहिए तो वो जमीन से ही आती है, खेती वाली जमीन से ही आती है। इसके अलावा अगर आपको घर चाहिए तो वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आती है, जहाँ की आप घर बना के, कॉलोनी बना के रहते हैं। इसके अलावा आपको कपड़े चाहिए तो वो भी जमीन से ही आते हैं, जमीन में ही कपास लगाए जाते हैं जो कि बाद में फैक्ट्री में जाते हैं और फैक्ट्री से कपड़े बनते हैं जो कि बाद में मार्केटिंग एंड सेल्स के थ्रू हमारे पास आता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रियल एस्टेट अपने आप में बहुत ही बड़ा बिजनेस है और इस बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें आम आदमी भी जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे अगर कोई भी घर बनता है, कोई भी फैक्ट्री बनती है, तो वहाँ पे वो आम आदमी वहाँ पे लेबर वर्क करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है। अगर कोई आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, वो सब लोग इससे जुड़े होते हैं। इसके अलावा छोटे बड़े जो भी बिजनेसमैन होते हैं तो वो बिजनेसमैन भी इससे जुड़े होते हैं। इसके अलावा जो बैंक है, फाइनेंस कंपनी है, वो भी जुड़ी होती है और सरकार भी यहाँ पे जुड़ी हुई है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉपर्टीज के लेन देन होते हैं तो वहाँ पे सरकार अपना टैक्स लेती है। अगर कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे डेवलप की जाती है, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे भी सरकार का अपना हाथ होता है। वास्तव में रियल एस्टेट इतना इंपॉर्टेंट है, रियल एस्टेट के डेवलपमेंट से ही समझ में आता है कि कोई नगर, कोई शहर, कोई देश, कोई राज्य कितना विकास कर रहा है। तो जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका में जो रियल एस्टेट है बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है किसी भी दूसरे देश की तुलना में। और इवन अगर आप इंडिया की बात करें तो मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में आप देखेंगे कि रियल एस्टेट बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और बाकी दूसरे जगहों पे उतना डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि जहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपमेंट ज्यादा होता है वहाँ पे नौकरियाँ ज्यादा होती है, वहाँ पे बिजनेसेस ज्यादा होते हैं, वहाँ पे बैंकिंग ज्यादा होती है और वहाँ पे सबसे अच्छा माहौल होता है कि जहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में आगे हम और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अगर बात करें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो आप देखेंगे कि रियल एस्टेट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में देखा रियल एस्टेट का मतलब होता है जमीन, जायदाद या फिर असली संपत्ति। और वास्तव में अगर आप कोई जमीन का टुकड़ा अपने पास ओन करते हैं, अगर आप किसी जमीन के मालिक है, किसी प्लॉट के मालिक है, किसी घर के मालिक है, तो आप वास्तव में आपके पास एक रियल संपत्ति है जो कि आप यूज कर सकते हैं खुद के रहने के पर्पज के लिए या फिर किसी दूसरे को आप रेंट आउट कर सकते हैं और वहां से आप किराए के रूप में इनकम कमा सकते हैं। तो रियल एस्टेट से आप किराए के रूप में इनकम कमा सकते हैं। और जैसे जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज का, चाहे जमीन हो, चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, उसका फ्यूचर में जो भाव बढ़ता है उससे आप कैपिटल गेन भी प्राप्त करके इनकम कमा सकते हैं। तो इसलिए रियल एस्टेट अपने आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट विकल्प है। और यहाँ पे बस ये दिक्कत है कि आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए अक्सर ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन रियल एस्टेट की सबसे खास बात यह है कि सिर्फ रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे कि बैंक आपको लोन देती है कि आप रियल एस्टेट खरीद के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इसे बहुत ही स्पेशल इन्वेस्टमेंट बनाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिवरेज आपको मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा रियल एस्टेट के बारे में, तो दोस्तों रियल एस्टेट यानी कि जमीन, जायदाद या घर या दुकान, ये जो भी चीजें हैं, इसका जो असली मालिक होता है वो अंत में सरकार ही होता है। जी हाँ, रियल एस्टेट चाहे भले ही आपके नाम से कोई घर हो, दुकान हो, जमीन हो, लेकिन अगर उस घर, दुकान या जमीन का अगर आप प्रॉपर तरीके से टैक्स नहीं भरते हैं, तो आप देखेंगे कुछ सालों बाद से अगर आपने टैक्स बहुत सालों तक नहीं भरा, तो गवर्नमेंट आपसे उस जमीन या उस घर या दुकान की टैक्स की वसूली के लिए आपकी वो जमीन अपने कब्जे में ले सकती है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले सकती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आपको प्रॉपर तरीके से कोई भी जमीन, कोई भी घर, कोई भी दुकान का टैक्स भरते रहना होगा, अदरवाइज गवर्नमेंट आपके ऊपर क्लेम कर सकती है और आपका जमीन अपने कब्जे में ले सकते। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि रियल एस्टेट जो शब्द है, इसमें जो रियल है उसका मतलब है रॉयल यानी कि शाही यानी कि राजा, और दूसरा जो स्टेट है उसका मतलब है संपत्ति यानी कि विशेषाधिकार। मतलब यहाँ पे रियल एस्टेट जो है उसका मतलब है शाही संपत्ति यानी कि राजा की संपत्ति। और वास्तव में जो भी रियल एस्टेट है वो पुराने जमाने से राजाओं के अंतर्गत ही आता था, बाद में भले ही प्रजातंत्र या फिर डेमोक्रेसी के हिसाब से लोगों में डिवाइड कर दिया गया, बट अंत में आप देखेंगे कि आज भी, पुराने जमाने में भी और आज भी, अंत में जो सरकार है वही हर रियल एस्टेट की मालिक है। तो इस तरह से आप इस फैक्ट को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो अगर ध्यान में रखते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से अपने टैक्स को भरते रहेंगे और आप उसके मालिक बने रहेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप इस वीडियो से समझ में आया होगा कि रियल एस्टेट क्या होता है।
और ये किस तरीके से काम करता है, इसमें कितने अलग तरह के रियल एस्टेट होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, काम का लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सके। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।